पटना के फुलवारी शरीफ स्थित एक गांव में दो नाबालिग बच्चियों के साथ सामूहिक गैंगरेप का मामला प्रकाश में आया है। सूचना मिलने के बाद गांव के लोगों में सनसनी फैल गई। स्थानीय लोगों ने इसकी सूचना फुलवारी शरीफ थाने को दी। सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने घटनास्थल से एक बच्ची को घायल अवस्था में इलाज के लिए पटना एम्स भेजा है, जबकि इस घटना में एक बच्ची की मौत हो गई। घटना के बाद डॉग स्क्वाड और SFL टीम मौके पर पहुंचकर छानबीन शुरू कर दी है। घटना के बारे में बताया जा रहा है कि फुलवारी शरीफ थाना क्षेत्र के एक गांव की रहने वाली दो सहेली, जिसकी उम्र लगभग 10 वर्ष एवं 8 वर्ष बताई जा रही है, सोमवार को अपने घर से गोईठा लाने के लिए पास में गई थी। इस दौरान दोनों सहेली अचानक लापता हो गई। परिवार वाले लोगों ने दोनों की काफी खोजबीन की, मगर कहीं पता नहीं चल सका। मंगलवार को परिवार के लोगों को सूचना मिली कि दोनों लापता सहेलियों का सब कुछ दूर एक चैम्बर में पड़ा है। इस परिवार के लोग आनन फानन में जब वहां पहुंचे तो देखा कि एक बच्ची बदहवास वहां बैठी है, जबकि एक बच्ची का शव चैम्बर में एक बाउंड्री के निकट पड़ा है। इस घटना के बाद पूरे गांव में सनसनी फैल गई। गांव के लोग घटनास्थल पर पहुंचे और लोगों ने इसकी सूचना फुलवारी शरीफ थाने को दी। सूचना मिलते ही फुलवारी शरीफ पुलिस मौके पर पहुंची और घायल बच्ची को इलाज के लिए पटना एम्स में भर्ती कराया। घटना के बाद फुलवारी शरीफ पुलिस अनुमंडल पदाधिकारी विक्रम सिंह हाग भी सूचना पाकर मौके पर पहुंच गए। इस मामले को लेकर फुलवारी शरीफ पुलिस अनुमंडल पदाधिकारी विक्रम सिंह हाग से पूछे जाने पर क्या यह सामूहिक दुष्कर्म का मामला है, उन्होंने बताया कि छानबीन की जा रही है। वहीं गांव के लोगों ने और परिवार के लोगों ने बताया कि दोनों बच्चियों के शरीर से आधा कपड़ा निकला हुआ था, जिससे यह प्रतीत होता है कि दोनों के साथ सामूहिक दुष्कर्म की घटना हुई है। साद हुसैन की रिपोर्ट। फुलवारी शरीफ थाना के अंतर्गत प्रातः 11:30 बजे सूचना मिली कि कल सुबह दो बच्ची एक हिंदूनी ग्राम है यहाँ पर, वहाँ से गायब हुई थी। जलावन के लिए निकली थी और शाम तक वापस नहीं आई थी। तो आज 11:30 बजे उनमें से एक का शव यहाँ पर गांव के बाहर खुले खेत में वहाँ पर जो छोटी सी बाउंड्री उसके पास मिला, और उसी के पास जो दूसरी बच्ची है वो सफेद हालत में वहाँ पर मिली। उसके बाद पुलिस को सूचना दिया गया। सूचना के उपरांत पुलिस यहाँ पर आए और SFL डॉग स्क्वाड टीम को भी तुरंत बुलाया गया। उसके बाद जो सफेद बच्ची थी उसको हॉस्पिटल एम्स में भेज दिया गया और वहाँ पर उसका मेडिकल इलाज चल रहा है। अभी उसको हल्के जख्म हैं और डॉक्टर उसका मेडिकल एग्जामिनेशन अभी वर्तमान में भी कर रहे हैं। जो दूसरी बच्ची है उसके शव को भी यहाँ पर जो जांच पड़ताल होती है उसके करने के बाद एम्स में पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। और जो SFL और डॉग स्क्वाड की टीम आई थी उनके द्वारा प्राइमरी एनालिसिस था वो जो कर दिया गया है, और उसकी रिपोर्ट हमको जल्दी ये लोग देंगे। उसके बाद हम लोग इस पर आगे कार्रवाई करेंगे। सर, जो घायल बच्ची है उसको अस्पताल में भर्ती है? वो 8 वर्षीय बच्ची है और जो दोनों बच्चियाँ थी वो एक दूसरे की सहेली थी। एक की मृत्यु होगी तो दूसरी है वो अभी भी घायल है, उसका एम्स के अंदर इलाज चल रहा है। कुछ बता रही है सर? वो अभी होश में है, परंतु अभी क्योंकि अभी इलाज चल रहा है तो इसमें अभी तो कोई पूछताछ उससे नहीं हुई। सर, परिजनों द्वारा आरोप लगाया जा रहा है कि थाना प्रभारी सलाह देने गए थे तो नहीं। इस संबंध में जाँच करने के बाद ही कुछ पता चल पाया।